नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है 10th 12th ITI डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और पूरी डिटेल नोटिफिकेशन की मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए दोस्तों, तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें या पोस्ट की बात करें, तो ड्राइवर्स, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट, स्टाइपेंडरी ट्रेनी, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 52 वैकेंसीज हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, 12th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर हम डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें, तो जो ट्रेड्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा को थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन में लगभग काफ़ी सारी वैकेंसीज के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। अगर आप ड्राइवर्स या फिर वर्क असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है यहाँ पर, वो 27 साल रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं एज लिमिट आपको बता रहा हूँ। रिलैक्सेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार हर एक कैटेगरी में रहेंगी। अगर आप डिप्लोमा के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 24 साल एज लिमिट रखी गई है, और यही सेम वैकेंसी ITI कैंडिडेट्स के लिए जो निकाली गई है, वहाँ पर 22 साल एज लिमिट रखी गई है। ये मैक्सिमम एज लिमिट है। रिलैक्सेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी दी जाएगी। अब दोस्तों बात आ जाती है फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए, जो इस वक्त फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। जो कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट है, अगर उस डेट तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जॉब लोकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि कोलकाता यहाँ पर इनिशियली जॉब लोकेशन रहने वाली है, हालांकि बाद में जाकर के ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब लोकेशन जा सकती है, तो मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी रहते हुए ही आप इसके लिए अप्लाई करें। सैलरी की बात की जाए तो अगर आप ड्राइवर, ऑफिस असिस्टेंट, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 18,000 से लेकर के 19,900 की इनिशियली सैलरी दी जा रही है, अलाउंसेस अलग से होंगे। अगर हम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो अगर आप ITI कैंडिडेट हैं और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो शुरुआत में 2 साल का, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो फर्स्ट ईयर में जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 10,500 रुपये, सेकेंड ईयर में वही सैलरी 12,500 रुपये, और उसके बाद जो आपका पैकेज हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, वो 21,900 रुपये से स्टार्टिंग होगी, अलाउंसेस अलग से होंगे। तो मिला देने के बाद जो तकरीबन आपको सैलरी पड़ेगी वो 28,000 रुपये के आसपास बनेगी इन हैंड। अगर हम बात करें डिप्लोमा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की, तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 16,000 रुपये दी जाएगी, सेकेंड ईयर में सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये, और उसके बाद जो कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी दी जाएगी वो तकरीबन 44,900 रुपये की सैलरी होगी, अलाउंसेस अलग से रहेंगे। तो कुल मिलाकर के सैलरी की तरफ से बिल्कुल भी परेशान की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी जा रही है, और अलाउंसेस और मिल जाने के बाद जो फिगर है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब बात आ जाती है एग्जाम सेंटर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। नोटिफिकेशन में काफ़ी सही वर्ड्स में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे वो कोलकाता के अंदर रहेंगे, और अगर आप कोलकाता से बाहर के हैं तो, या किसी और राज्य से हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली से हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा वो 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे, तो आपको जो स्टे करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का अपना अरेंजमेंट करना है, जब आप इसके लिए स्किल टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम, वट एवर आप किसी भी स्टेज के लिए जा रहे हैं, तो इसमें टोटल 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना प्रोसेस को आगे चलाएं, ये चीज़ मेंटली थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहली स्टेज है वो है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, ये 2 स्टेजेस रहेंगी, दोनों में से कोई एक स्टेज भी रह सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर
आपको स्किल टेस्ट डेफिनेटली मिलेगा, और ऐसे भी कुछ वैकेंसीज हैं जहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू है आफ्टर रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम हर एक वैकेंसी में कॉमन है, लेकिन उसके बाद वैकेंसी टू वैकेंसी वेरी करता है कि इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट। जॉब नेचर की बात कर लेते हैं तो परमानेंट दोस्तों ये जॉब नेचर है इसका, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी नहीं है, और यही एक बात है जो कि एक पॉजिटिव इस नोटिफिकेशन से निकल करके सामने आती है कि ये एक परमानेंट करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप, हाँ ये एक करियर है, और सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा करियर है, तो आप बिल्कुल भी झिझके ना इसके लिए अप्लाई करने के लिए। बात आ जाती है दोस्तों एक्सपीरियंस की, तो ज़्यादातर वैकेंसीज के अंदर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादातर वैकेंसीज के लिए। हालांकि अगर हम ड्राइवर्स की वैकेंसी की बात करें तो ड्राइवर की वैकेंसी में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि आप देश के किसी भी राज्य से हैं, आप अपनी ही कैटेगरी में रहते हुए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इसमें लोकेशन बार नहीं है, देश भर के किसी भी हिस्से से कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क की बात की जाए तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके लिए ₹150 का आवेदन शुल्क है। डिप्लोमा स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग की वैकेंसी के लिए ₹150 का आवेदन शुल्क रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। अगर आप ड्राइवर्स की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ITI स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ₹100 का आवेदन शुल्क है, और जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क रहेगा। एप्लीकेशन मोड दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के दोस्तों आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ये नोटिफिकेशन में काफ़ी साफ तौर से क्लियर कर दिया गया है कि जी हाँ दोस्तों, आप एक से ज़्यादा पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन नहीं करना है। जब आप एक बार फॉर्म भर रहे हैं तो वो केवल एक ही वैकेंसी के लिए भरें। अगर आप दूसरी भी किसी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा, दोबारा से लॉगिन करके एक सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी, और तब आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी, और 20 मई 2021 तकरीबन एक महीने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसके लिए 20 मई 2021। लास्ट में दोस्तों जॉब रेटिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेगेटिव इश्यू है इस जॉब के अंदर, और वो है कि एग्ज़ाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही जॉब है। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो दूर दराज के इलाकों के कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग करके इसके लिए अप्लाई करना होगा, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ज़रूर इसकी थोड़ी सी रेटिंग कम हो जाती है। हमने इसको 3.5 रेटिंग दी है आउट ऑफ 5। उम्मीद है दोस्तों आपको इस जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।